हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आज मैं बनाने जा रही हूँ प्राइमर और मेकअप सेटिंग स्प्रे ये बहुत ही आसान है और हम घर बैठे ही इसे इजी सिंपल तरीके से बना सकते हैं और ज़्यादा महंगा भी नहीं है हम बाज़ार से लाते हैं तो अक्सर ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर न्यूट्रोजेना का फेशियल मॉइस्चराइजर ले लिया है इसमें एसपीएफ 15 है नेक्स्ट मैं इसमें लोटस का सनस्क्रीन डाल रही हूँ और इसमें एसपीएफ 30 है अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई दूसरे ब्रांड का भी यूज कर सकते हैं। तो न्यूट्रिजना फेशियल मॉइस्चराइजर के मैंने थ्री पंप्स ले लिए हैं और अब इसमें मैं लोटस सनस्क्रीन डाल रही हूँ वन पंप के जितना नेक्स्ट मैं इसमें लेवेंडर ऑयल डाल रही हूँ बिकॉज ये बहुत ही अच्छा एसेंशियल ऑयल होता है इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है और ये एंटी डिप्रेसेंट भी होता है नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ दो ड्रॉप्स ग्लिसरीन के हम ग्लिसरीन इसलिए डालते हैं ताकि जो हमारा मेकअप हमारे फेस पे ज़्यादा देर तक स्टे कर सके ध्यान रखिए कि आप इसे ज्यादा ना डालें क्योंकि आप अगर इसे ज्यादा डालोगे तो आप, आपका जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा हो जाएगा नेक्स्ट इसमें मैं डाल रही हूँ पतंजलि का एलोवेरा जेल ये वन पंप जितना ले रही हूँ इसमें भी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है और ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है नेक्स्ट मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी और ये रेडी है हमारा प्राइम अब इसे अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ जो ब्रश पर था मैंने उसी को अपने हाथों पर लगा दिया है ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी है आपको इतनी ज्यादा क्वांटिटी नहीं लगेगी आप देख सकते हैं कि ये बड़े ही हल्के हाथों से मैं इसे स्प्रेड कर रही हूँ और अच्छे तरह से ये मेरे हाथ पर लग रहा है ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है मेरे हाथों पर और ये अच्छा एकदम बहुत ही अच्छा मॉइस्चर भी दे रहा है मेरे हाथों को नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं मेकअप सेटिंग स्प्रे तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक एम टी बॉटल ले ली है इसमें मैं डाल रही हूं हाफ टी स्पून जितना एलोवेरा जेल नेक्स्ट इसमें मैं बस एक ड्रॉप एक ड्रॉप ग्लिसरीन डाल रही हूँ जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप ज़्यादा ग्लिसरीन डालेंगे आपका पूरा का पूरा फेस चिपचिपा हो जाएगा नेक्स्ट इसमें मैं डाल रही हूँ फिल्टर्ड वाटर अगर आपके पास डिस्टिल्ड वाटर है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्लीज़ प्लीज़ रोज वाटर ना यूज़ करें रोज वाटर से हमारा जो मेकअप है वो निकल आ जाता है इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से अब मिक्स कर देंगे और मैं आपको अभी ये स्प्रे कर, कर बताती हूँ तो मैं यूजुअली इसे स्प्रे करने के बाद ड्राई होने के लिए रखती हूँ पर अगर आप चाहे और आपको ऐसा लगता है कि आपके फेस पे ज़्यादा कॉम्पैक्ट है तो आप इसे धीरे धीरे मसाज भी कर सकते हैं अपने फेस पे इवन टोन लाने के लिए तो आपने देखा कि कितने आसानी से हमने मेकअप स्प्रे मेकअप सेटिंग स्प्रे और प्राइमर बनाया है अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और यूजफुल लगा होगा तो प्लीज़ इसे एक बिग थम्स अप दीजिए और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाय बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग माईनेस